हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर टू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट के ऐसे क्या बेस हैं, किन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता है मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट का करने का एक तरीका होता है, वो जो तरीका मींस वो जो गाइडलाइंस है, सो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। ओके, सो what is given, a principle refers to a statement which reflects means to think over it, the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. Okay, so it's a statement which reflects the fundamental truth, uska ek basic truth hota hai, uska ek base hota hai, theek hai, jo is phenomena pe depend karta hai, that are based on cause and effect. कुछ इफेक्ट हुआ है तो उसका कॉज होगा, और कॉज से क्या इफेक्ट होता है, उसका रिलेशनशिप। ओके, सो ये होते हैं प्रिंसिपल। व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल? सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। सी, मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट्स बेसिकली, इट्स प्रिंसिपल्स आर वेरी ब्रॉड एंड दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स टू टेक द डिसीजंस। ओके, टू टेक द डिसीजंस। सो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को हमने किससे कंपेयर किया है स्टूडेंट्स? प्योर साइंस प्रिंसिपल से, वैल्यूज से एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स से, राइट? सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल। आपको मालूम है प्योर साइंस प्रिंसिपल्स तो डिफाइंड होते हैं, रिजिड होते हैं, बट दीज आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, इट हैज टू बी चेंज। ओके, ये प्योर साइंस प्रिंसिपल्स तो आपके, दे डू नॉट चेंज विद द टाइम। ये सालों साल पहले भी वही था तो आज भी वही है। एक बार प्रूफ हो गया साइंटिफिकली साइंस प्रिंसिपल, तो वो वैसा ही रहता है। वैल्यूज क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी? सी, वैल्यूज आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर एंड दीज आर एथिकल इन नेचर। और यहाँ पर क्या होता है, ये गाइडलाइंस होती है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट एक्शन के लिए, एंड दीज आर टेक्निकल इन नेचर। These are ethical in nature. Human behavior को ही deal कर रहा है सिर्फ, ठीक है? Management principle and management techniques, these are flexible, these are guidelines for actions. And techniques क्या होती है students? किन methods के through हम management करते हैं? That involves series of steps to be performed to accomplish goals. And techniques are also flexible. क्योंकि बोथ आर मैनेजमेंट टेक्निक्स है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अगर फ्लेक्सिबल्स हो सकते हैं तो टेक्निक भी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बिकॉज टेक्निक मीन्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ टुडेज बिजनेस डिमांड, राइट? मीन्स आज का टाइम क्या है, क्या उसकी नीड है, कैसे चेंजेस करने चाहिए, तो टेक्निकल्स टेक्निक्स भी बदलनी होती है। द स्टेप्स, द मेथड्स हैज टू बी चेंज्ड। सो बेसिकली मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स मीन्स ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ पे जो बेस होती हैं, ठीक है, ऐसी गाइडलाइंस जिनको मैनेजमेंट फॉलो करता है फॉर अ बिजनेस टू एकम्प्लिश द गोल। ओके, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स ये साइंटिफिक भी होते हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड भी होते हैं। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि दीज आर फॉर मैनेजरियल एक्शंस एंड फॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्वियसली ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि मैनेजमेंट का ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है प्रिंसिपल्स का, कि पहले उसको भी ऑब्जर्व किया, लाइक साइंस, लाइक मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज ए साइंस, एज ए प्रोफेशन में हमने पढ़ा था कि साइंस में भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स में, तो इन द सेम वे इट इज़ प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो फॉर्म बाई ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स।
तब प्रिंसिपल्स बनाए हैं। गाइडलाइंस तैयार करने के लिए पहले चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर हम कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ पेपर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, देन कुछ गाइडलाइंस होती हैं आप लोगों के लिए कि आपको किस टाइम पे पहुंचना होता है, कैसे आंसर करने हैं, आपको क्या चीज़ें साथ ले जानी हैं, क्या नहीं ले जाना है, कौन सी हमारी इल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना। तो वो गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी ज़रूरत है वो, ठीक है। सो वो गाइडलाइंस ही आपके लिए उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसी तरह से ऐसी गाइडलाइन जो मैनेजमेंट को करने के लिए ज़रूरी होती है वो होते हैं प्रिंसिपल्स। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यही है, टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, राइट? लाइक इट इज गिवन, वी हैव 7 प्रिंसिपल्स टू डिस्कस। ओके, 7 प्रिंसिपल्स टू डिस्कस। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड जनरल गाइडलाइंस, थर्ड फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फ्लेक्सिबल मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉन्टिजेंट। स्टूडेंट्स ये सब हमने थोड़ा थोड़ा इस वर्ड्स हमने रिपीट कर लिए हैं पहले, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, इट कैन बी अप्लाइड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस irrespective of their size and nature। ये जो principles हैं उनके size और nature के according हर जगह applicable है, ठीक है। So non-business हो, business हो, large public sectors हो, private sectors हो, हर जगह management में जो principles होते हैं apply किए जाते हैं। Now general guidelines, स्टूडेंट्स आपको पता है कि छोटी सी छोटी चीज़, जैसे आप स्कूल आते हो या आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे या कुछ भी हम कोई काम भी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई तरीका होता है, कुछ गाइडलाइंस होती है। जैसे हम अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए लें, हमें खाना खाने का तरीका होता है, हम डेली रूटीन का भी एक तरीके से करते हैं, तो मैनेजमेंट भी ऐसे ही नहीं होता है। देखिए जनरल गाइडलाइंस क्या होती है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। सी जनरल गाइडलाइंस तो आपको दी जाएगी लेकिन जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। वैसे हमारे डेली एक्टिविटी में करने का तरीका होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, बट इफ़ प्रॉब्लम अकर्स तो उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। कोई हैंड टू हैंड सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा आपको उस प्रिंसिपल से। लाइक द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर consist on giving a stable time period to employees to settle down, but how much time period to be given, 6 months, 1 year, etc., vary from company to company. 6 months देना है, 1 साल देना है, time period जो है वो एक जैसा ही नहीं होगा, किसी को ज़्यादा time चाहिए, किसी को कम time चाहिए, तो वो कैसे vary करेगा, place to place, organization to organization और company to कंपनी, ठीक है। सो ये तो हो गई बात यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड जनरल गाइडलाइंस की, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी हर जगह ही एप्लीकेबल है, छोटा हो बड़ा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर, दीज आर एप्लीकेबल। और जनरल गाइडलाइंस है नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। नाउ ये भी कैसे निकले हैं, प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स को टेस्ट किया है, फिर जो प्रिंसिपल बना है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, एम्पिरिकल एम्पिरिसिज्म है इसमें, एम्पिरिकल मीन्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। सो इट इज़ आल्सो डेवलप्ड थ्रू डीप एंड थरो रिसर्च वर्क हुआ है बहुत सारा, ठीक है। नाउ फ्लेक्सिबल इन नेचर, स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं होता कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन में लग जाओगे तो वो काम नहीं करेगा,
वैल्यू दोनों ही करते हैं, साइज चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बट इट शुड बी इन फ्लेक्सिबल इन नेचर, राइट? अंडर डिफरेंट कंडीशन इट शुड बी एक्टेड डिफरेंटली, इट शुड बी अप्लाइड डिफरेंटली, और इट कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली, राइट? सी, सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी के रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है? ये मतलब फ्लेक्सिबल है तो रिजिड नहीं है, चेंजेबल है. दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग देम, ठीक है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द नेचर, क्या है, क्या ज़रूरत है, अभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है प्रिंसिपल्स में, तो कर सकते हैं. मेनली बिहेवियरल है ये. सी, दे दीज आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज. क्यों बनाया है प्रिंसिपल्स? ताकि हम ह्यूमन नेचर को डील कर सकें. ह्यूमन नेचर चेंजेबल है तो मेनली बिहेवियरल से डील करता है. लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन, जैसे डिसिप्लिन अगर आप वैसे भी देखो तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, राइट? कमिटमेंट, लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे लोग उससे जुड़े हैं तो इनका जो कमिटमेंट होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होना चाहिए. अगर ये डिस्ट्रैक्ट हो गए तो ये आउटपुट अच्छा नहीं देंगे, ओके? सो एक कमिटमेंट, एक डिसिप्लिन का जो बताते हैं कि मेनली बिहेवियर लाइक यू बिकॉज इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर. सो ये डिसिप्लिन वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सिखाता है. आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सारे. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मीन्स कमिटमेंट फ्रॉम बोथ द एंड. मीन्स अब ये एम्प्लॉयज जो हैं वो कमिटेड हो जाएं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, ओके? सो नाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज है तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, इनका आपस का रिलेशनशिप है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, ये इस पर ही बेस्ड है. सी स्टूडेंट्स, ऑल्दो दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट स्टेट परफेक्टली, एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक है? बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग. स्टूडेंट, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है. अभी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, कमिटेड भी हुआ, बाद में वो क्या हो गया, देखो डिसलॉयल हो जाते हैं, कहीं कहीं चीट कर देते हैं, ठीक है, वो सब हो जाता है, कहीं छटनी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है अनप्रडिक्टेबल. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सही है, बिल्कुल, लेकिन एब्सोल्यूट रिजल्ट निकल जाए बिकॉज हम मशीन्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग, सो इतना एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं आएगा, बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट. लेकिन जो भी होता है तो एक आइडिया पता चल जाता है कि कॉज जो हुआ उसका इफेक्ट का आइडिया मिल जाएगा. कुछ भी होता है तो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर कहाँ जाके कैसा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं तो उससे एक आइडिया तो ज़रूर मिल जाता है. कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, क्यों हुई, क्या उसके कंसिक्वेंसेस हुए, आगे हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए, उससे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है, बिकॉज वो एक पार्ट लाइफ में हो गया, हमने एक्सपीरियंस कर लिया. आगे इससे भी थोड़ा अलग होगा, इससे रिलेटेबल होगा, तो हम इजीली उस चीज़ को रिकग्नाइज कर पाएंगे. नाउ कॉन्टिजेंट. सी दीज आर कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट एंड दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? सो देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेचर कैसा है, साइज कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का तरीका क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ प्रिंसिपल्स. सो द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज्ड विद द चेंज इन सिचुएशन. सिचुएशन चेंज है, ठीक है? पहले इन प्रिंसिपल्स ऐसे सीधे सीधे चल रहे थे, बट समथिंग हैज़ हैपेंड, चेंज आया, सो मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गया. सो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना पड़ता है प्रिंसिपल्स को. लाइक स्टूडेंट्स आप जानते हो प्रिंसिपल्स ऑफ टीम स्पिरिट का एग्जांपल लें, प्रिंसिपल ऑफ
टीम स्पिरिट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम स्पिरिट पूरी टीम होती है। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब अलग अलग अपने माइंडसेट लेके चलेंगे तो हम कभी भी उस सक्सेस को पा नहीं सकते। जहां पर टीम की बात हो जाती है तो टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वेयर वर्क इज कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर इट इज ऑफ नो यूज इन द कंपनीज वेयर वर्क इज परफॉर्म बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय अ ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने आपको बताया कि ये कमिटेड हैं तो ये लोग टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ पीपल से काम हो रहा है। एंड वेर एज अगर ये नहीं है, वेर एज इट इज ऑफ नो यूज इन द कंपनीज वेयर वर्क इज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल एंड नॉट बाय अ ग्रुप। स्टूडेंट्स ये चेंजेबल है, क्योंकि अगर टीम स्पिरिट की जरूरत है तो टीम को पूरा अच्छे से काम करना पड़ेगा, और अगर वेरेज ये इसका जो टीम स्पिरिट का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बंदे से काम लेना है अभी। ठीक है, सो इट इज ऑफ नो यूज इन द कंपनीज वेयर इज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। कंपनी को अगर सिर्फ इंडिविजुअल से काम है, ये कंपनी है आपकी, इससे काम है, तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ कोई यूज नहीं रखता। नो यूज ये वाली सिचुएशन में इसका नो यूज सी। ठीक है, सो इट इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिचुएशन, इट हैज टू बी चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिंजेंट। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, इनका नेचर क्या होता है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन एप्लीकेशन है, हर जगह अप्लाई होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। जनरल गाइडलाइंस है, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, नॉट अ सोल्यूशन, और रेडीमेड सोल्यूशन स्टूडेंट्स हम कहें हाथों हाथ हैंड टू हैंड रेडी हो जाए, प्रॉब्लम आ गई हमारे पास तो हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, फिर कैसे प्रॉब्लम आ गई? नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन वर्ल्ड। फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं ह्यूमन बिहेवियर्स पे भी, तब जाके ये सब बने। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, हर जगह एक तरीका नहीं चलता। जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, हाँ स्कूल्स में क्या होता है, पढ़ाई होती है, हर जगह से पढ़ाती हूँ, लेकिन एवरी स्कूल इज डिफरेंट, एवरी स्कूल्स फिलोसफी इज डिफरेंट। बच्चे वहाँ पर भी 1 to 12 पढ़ते हैं, इधर भी 1 to 12 पढ़ते हैं, बट हु इज मैनेजिंग इन वॉट मैनर, सब जगह पढ़ाई हो रही है, सब जगह प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट है, बट तरीका डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू देयर जैसा भी है कि ऐसे ही प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, फिलॉसफी अलग होती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डिमांड, डिमांडिंग सिचुएशंस जो होती है। मेनली बिहेवियरल है, डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको बताई दिया स्टूडेंट्स अच्छे से। ओके, कि एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं। कॉन्टिंजेंट, टीम स्पिरिट का चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पर टीम से काम लेना, आप टीम वाला डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल लगाओ टीम स्पिरिट का, लेकिन इंडिविजुअल में से काम लेना है तो ये प्रिंसिपल यहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, सो इट हैज़ टू बी चेंज विद द चेंज इन सिचुएशन। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एंड हमने पढ़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। दैट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ, फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, ये ब्रॉड हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। That's all for today.